हाय फ्रेंड्स, मैं उज़मा खान। मेरे यूट्यूब चैनल उज़मा किचन्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे सोयाबीन का स्टू। ये बहुत टेस्टी बनता है, अगर इसे एक बार आप बना के खाएंगे तो ज़रूर बनाएंगे बार बार। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम सोयाबीन ली थी, जो मैंने 3 से 4 घंटे करीब भिगो के रखी थी। ये काफ़ी अच्छी तरीके से फूल गई हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, इसका करूँगी मैरिनेशन। तो मैरिनेशन करने के लिए मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच डाला है दही, थोड़ा दही मैंने बचा लिया है। और यहाँ मैं 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ इसमें, और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, और 1 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ मैं कसूरी मेथी, और 1 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ मैं गरम मसाला पाउडर। तो मैंने ये मसाले इसमें डाल दिए हैं। अब इन्हें सबको डालने के बाद मैं अच्छी तरीके से कर लूँगी मिक्स। इस तरह से अगर आप बनाएंगे सोयाबीन का स्टू, बहुत ही टेस्टी बनेगा, बिल्कुल नॉन वेज की तरह लगता है। तो इसमें बहुत अच्छी तरीके से मिला लूँगी, ताकि जो भी इसमें मैंने मसाले डाले हैं वो अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। तो देखिए, मिला लिया है मैंने। अब इसे मिलाने के बाद हम करीब इसे रख देंगे 1/2 घंटे के लिए, इसे रेस्ट पर रख देंगे। अभी 1/2 घंटे के लिए रख दिया है। अब मैंने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर ले लिया है, जब तक और फ्लेम मैंने कर दी यहाँ पे ऑन। और मैं इसमें डालूँगी 3 बड़े चम्मच तेल। तेल को अच्छे से गर्म हो जाने दूँगी। तब देखिए तेल गर्म हो गया है अच्छे से, 3 बड़े चम्मच डाला है। और यहाँ मैंने 1/2 किलो करीब प्याज को इस तरह से रफली चॉप कर लिया है। देखो, प्याज काट लिए अच्छी तरीके से। और अब हम इसमें डालेंगे, इसमें मैं प्याज जो है सिर्फ 2 मुट्ठी भर के डाल दूँगी। तो मैंने यहाँ पे 2 मुट्ठी प्याज यहाँ पे ऐड कर दिए इसमें। इसको अच्छी तरीके से हम पका लेंगे। बाकी की जो प्याज हमने बचाई वो हम बाद में ऐड करेंगे। तो प्याज को अच्छी तरीके से पका लेंगे, करीब गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाना चाहिए अब तक। तो देखिए पक रही है प्याज। अब देखिए बाकी के मसाले देख लेते हैं। मैंने यहाँ सूखे मसाले लिए हैं थोड़े साबुत, तो 2 इलायची ली हैं मैंने काली, और 10-12 लौंगे ली हैं, तो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसको भी प्याज के साथ थोड़ा सौटे कर लेंगे। और यहाँ मैं डाल रही हूँ इसमें करीब 2 तेज़पत्ते। चला दिया इसको मैंने। अब जो सोयाबीन मैंने 1/2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखी थी वो मैंने अब इसमें डाल दी है। तो अब इसे चला देंगे। सोयाबीन मैरिनेट करने से ये होता है कि जो टेस्ट होता है वो उसका बहुत ज़्यादा हो जाता है, और बहुत ही अच्छी लगता है खाने में। ये स्टू जो है बिल्कुल नॉन वेज स्टू की तरह लगता है। अब मैंने इसको चला दिया है, इसको थोड़ा सा हम करीब 2 मिनट तक हम इस तरह से ही पकाएंगे इसको। 2 मिनट पकाने के बाद जो मैंने प्याज बचा ली थी कच्ची, वो हम इसमें डाल देंगे। तो प्याज मैं इसमें डाल रही हूँ सारी। तो देखिए प्याज मैंने इसमें सब डाल दिए। प्याज डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच धनिया पाउडर। 2 चम्मच धनिया पाउडर डाला है मैंने इसमें। और यहाँ मैं 4 हरी मिर्चें डाल रही हूँ, और 4 लाल वाली सूखी मिर्च डाल रही हूँ। अब इसे डालने के बाद हम थोड़ा चला देंगे अच्छी तरीके से। चला दिया है मैंने। अब मैं इसमें डालूँगी पानी। अब मैं यहाँ इसमें 1/2 गिलास पानी डालूँगी खाली, क्योंकि जो प्याज हमने डाली है वो भी अभी पानी रिलीज़ करेगी, तो मैंने 1/2 गिलास पानी इसमें डाल दिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट।
तो 2 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल दिया है और इसमें अच्छी तरीके से चला दिया है। अब इसे चलाने के बाद हम इसमें ढक्कन को सही से बंद करके सीटी लगाएंगे। सीटी हम सिर्फ 2 लगाएंगे इसमें, ज़्यादा सीटी नहीं लगानी है, हम सिर्फ 2 लगानी है। तो देखिए 2 सीटी आ गई हैं इसमें। अब इसे हम चेक करते हैं। तो ये देखिए प्याज और सोयाबीन अच्छे से गल गई है। अब इसको थोड़ा हम भूनेंगे। तो यहाँ मैंने फ्लेम को कर दिया है हाई। अब इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। तो ढक्कन मैं ऊपर से ही रख दूँगी ऐसे ही। अब मैं इसमें डालूँगी दही। दही जो बच गया था वो मैंने इसमें सब डाल दिया है। अब इसको भून लेंगे। अब इसमें काफ़ी पानी है तो इसको थोड़ा सा ड्राई करना है। तो देखिए भून रहा है ये। अब इसको थोड़ा अब भून लिया है मैंने। अब इसको हम कर लेंगे सर्व। तो ये देखिए सोयाबीन का स्टू हमारा रेडी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हमें कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।